राम राम जी। सारे ने उम्मीद है वैसे सारे बढ़िया होंगे। और सुबह का टाइम है तो फिर बाकी कार तो मैंने उठा दी थी और मेरी माँ की रह रही थी। ईब सुती उठकर फिर गई थी और टाइम हो रहा है 7:30 का, तो चादर है उसकी तह लगा दूंगी क्योंकि ईब है ना गुदड़े गादड़े तो इसे बिछाओ, मतलब जो बिस्तर होया करे गुदड़े बोला मारा था तो वह इसे बिछावा है क्योंकि गर्मी सी लाग है इन्हें, तो इस मारी या तो चादर बिछा लेवे हैं या फिर भई ओढ़ लेवे हैं अपने। ये भाई थोड़े से भाई जाडे से ना आए हैं तो जाडे में अपना जो गर्म है वो बिछाने लग जाऊंगी, तो इस खाट ने खड़ी कर दूंगी। मैं इतना बोझ है खाटा में कसुत्ता, इसी भरे भरे खाट है उस तरह हाथ गाल का मतलब छावन तो उठे को ना, और जी उन्हें पानी डाय रखे था इसके ऊपर तो बालक है भाई लागी रहे हैं कदे परेनर कदे परेनर, तो फिर मका सूख जाओगे फिर नुह गम और गणी बढ़ेगी मका फिर कौन उठाऊंगा, ताती हुआ है पाछे फिर मका कड़िया पे भी नहीं दरी जाओ या गणी गर्म हो जाओ है। तो खाट है वो खड़ी कर दी है एक जोटा, तो मतलब इनका लगा है गुदड़े समेटो और अपने जो खाट कट्ठी है वो करो ठाकर बाहर गालो भितर गालो तो यो ही हो जाओ है। और मेरे पापा मान रहा था जाडा क्योंकि परें चलना रहा था कूलर, ये भाई मेरे देवर है वो आगे सोन लग रहा था, तो बाकी की खाट उठा दिया करो न्यू को नगले भी कोई सोवा है तो फिर रहने दूँ इन्हें भी पड़ी रहने दूँ बाद में खट्टी उठ जाऊँगी नहीं, तो वह तो उठा दिया करूँ लेकिन कूलर चल रहा था। तो पानी है वो उज लिया है मैंने और ईब जोन चान है अपना वो बेऊँगी और बाकी के फिर बाद में सारे काम करूँगी। तकरीबन सारे काम प्लाट व्लाट के तो हो ही रहे हैं, बस थोड़ी सी सानी के रखाऊँगी और उसके बाद डांगर ने बाहर भी तरबान दूँगी। तो चुन चान भी कदर दिया था तो फिर मैं कहना पैरा चटनी बना लूँ क्योंकि फिर खेत में तो उन्हें एकदम दावा बोलना है आक चटनी वटनी भी नहीं बनाई है, बत भूख लग रही है भूख लग रही है और कचरियाँ का टेढ़ा काम है। और कल के ब्लॉग में सब नुक थे आख भाई कचरी पुचाइयो कचरी पुचाइयो, तो भाई मेरी माँ मछा ढूंढ ढांड कर जिम ले कर आई भी मका लिए ये कितने तो ले जाइए क्योंकि वह ना दवाई मारने लग गए ना तो फिर कम हुए हैं इस मारे कचरी, तो मका थोड़ी सी लेके आई है और बहुत स्वाद चटनी बना है भाई कचरियाँ की कतीनु जीरा जी हो जा खा कर ने, और घर की चीज़ की तो कोई ओढ़ नहीं होती भाई घर की चीज़ तो घर की ही हुआ है। तेने लगा लो चटनी बनाने में आधा पौन घंटा आराम तो लग जाओ, इन्हें छोले भी हैं भाई और फिर इन्हें कुंडे में कुट्टे हैं, तो फिर आज मैंने काट लिया था चोपर मखा चोपर में बनाऊंगी, अगर उस वैसे बनावा है तो फिर उसमें ज़्यादा टाइम लगा है तो चोपर में सही सी बन जाओ है बढ़िया डाला नानी पिस जा है कति, और कुंडी में बनाओ है तो फिर है ना वो मतलब छलका है क्योंकि इनमें पानी सा हुआ है ना बीज से हुआ है कुट्टा है तो वह छलका है फिर ऊपर में और उसमें टाइम भी ज़्यादा रहा है ध्यान तो थोड़ा करना पड़ा है कभी भी आँख में भी चिट्टा ना लग जाओ इस मारे, तो भाई व्लॉग ने देखते देखते लाइक कर दियो। आज थोड़ा सा छोटा व्लॉग है और आज मैंने स्पीड बिल्कुल नहीं बता रहा कि जिस स्पीड में काम करा करूँ वह स्पीड है मेरी, तो व्लॉग ने देखते देखते भाई लाइक कर दिया करो शेयर कर दिया करो, चैनल पर नए बंदे हैं वे सब्सक्राइब जरूर करके जाया करो और भाई सपोर्ट जरूर बनाए रखा करो अपना एक दूसरे ने सहयोग दिया करो भाई साथ बनाए रखो अपना। और इब आगे जो फेस्टिवल है वह आओगे करवा चौथ वगैरह इब नोरते शुरू हो जाऊँगे कनागदा के बाद में, फिर करवा चौथ और उसके बाद जो दिवाली है वह आओगे, तो इब बहुत सारे मतलब त्यौहार आओगे तो तीनों जी खुश हो जाओगे बहुत बढ़िया बढ़िया व्लॉग बना करेंगे रे। तो इसके बाद रोटी बना लूँगी मैं, तो देखो रोटी ली थी मैंने बना ये मेरी माँ ने पकड़ा आऊँगी मैं, तो मेरी माँ खाए कर बिना चुपड़ी रोटी क्योंकि इसने ना चुपड़ोड़ी अच्छी नहीं लगे कुछ तो भाई बीपी बीपी का हो जाओ है तो उसमें मेरी खाऊँ भी कौन है, तो तीन रोटी खाया कर बिना चुपड़ी तो भाई इसने दे दूँगी या इतना खा लूँगी, सब तो पहले इससे न दिया कर भाई रोटी अपनी बैठी बैठी मखा फिर भाई भूख भी लागे वो डाद भी है और देखो ना कह रहे छपकली कुछ ना करे, तो ये हमारे घर की क्लिप है और चाय पीने लग रही है चाय पत्ती खाओ है या तो उगाड़ी चीज़ कुछ भी नहीं छोड़नी चाहिए हमेशा ढक्की रखनी चाहिए भाई। 10 बगाल 10 बखंड आने इसमें तो हाँ शर्मा और गाल नहीं इसने ऐसा नमूना है। अब ये टॉयज मैंने इसमें डाले थे बैग में ये वापस से क्यों निकाले आपने, तो कुछ नहीं खेल रही मैं खेल रही हूँ इन्हें एक बक्का डना एक गालना इसका यो ही काम है वो तो धंधा लग रहा है इसके ऊपर बखेर कसूता बखेरा है एक वन उन्नर एक वन उन्न है ठाया अंडा की इन्हें
एक कितना अंडा है पड़ा, एक कितना अंडा पड़ा, नहीं रख गई सारे दिन। तो यो था भाई शाम का टाइम, और मैं इनको थी मखा मान लिया तेल रमा दूँ शर्म है, तो फिर बोली ना तड़क दोगे तो फिर दोया पाछर फिर रमा दिए, और फिर भाई दोबारा बाल बाग है चोटी कर दिए। तो जियो थोड़ा परेशान कर रही थी तो खट पर बैठा दी थी, लेकिन इसने एक जगह तक टकना नहीं, एक बनी वहाँ लड़ना मखन है बाल बूढ़ उड़ा भाई टूटना जरूर है, क्योंकि भाई बाल बाव है ना तो बहुत सारे टूटे रिया थी। फोन की ताक में अक मैंने फ़ोन मिल जाएगा वहाँ पर रखा है थे, तो बार बार चूना लगाओ थे मम्मी फ़ोन दे दो, मखाना फ़ोन नहीं मिले क्योंकि है ना ऊपर देख ले है आध पौन घंटा इसने मैं दिखा दिया अपने कोई ऊपर थोड़ा बालक का लारसा सा मिट जाए भाई, जिद करे है तो फिर रवाया भी नहीं जाओ बालक सारे है ना। अब हाँ करती है बंद कर दिया नो है भाई आध पौन घंटा दे दे, फिर नेट बंद कर दिया करो मैं, फिर नो कहोगी नेट चला गया, और ये अपनी दादी तक कहोगी दादी फ़ोन दे दो, फिर मैं कहा नहीं बिल्कुल नहीं मिलेगा तने। तो मेरी माँ का मतलब ऐसा व्यवहार है बालक ने भाई ना तो दमकाया करेगा और मारना तो बस दूर दूर तक ही नहीं है, कती नहीं हाथ भी नहीं लगाया कती का आंगड़े भी, दूसरा कोई मतलब मार देगा तो मतलब मैं भी थोड़ा बहुत भी मार दूंगी ना, कती नहीं लड़न हो जाएगी क्या तो मारे इसका भाई बालक है इसने बेरा को ना। फिर मखा बालक इतना भी शर्प नहीं चढ़ाना चाहिए, थोड़ा बहुत भाई बालक दमकाना चाहिए, तो लाग रही थी एक बन एक बन और हम दोनों जनी बेरा की कोई बात थी, उसने देख देख कर हंसते थे, बाहर कुछ आ रहा था शायद, और या जो जीव है कदे मिट्टी उठा के ले आती कदे कुछ और। ईब देखो ये मतलब है ना कैमरे के आगे अंड है इसका, मतलब जी कर रहा है कि मैं फ़ोन ले लूँ, बहुत चालाक है। ऊपर तक फिर नीचे बाल्टी रखी है ना, इस बाल्टी में इसने हाथ देना मिनट मिनट में, अब भाई हाँ पानी है तो इसमें खेले जाऊँगी क्योंकि मम्मी लग रही है काम, तो इसका यो एक काम है बस ध्यान हटा थोड़ा बहुत इसका, और अपना जो पानी है उसमें खेलना है इसने, फिर लत्ते खराब कर लेगी फिर नु कहेगी मम्मी नाई नाई करवा दो, तो इसका यो एक काम है। तो भाई बाल बाण में मेरी माँ के बाल में तो भाई मजा आया कर बाण में, क्योंकि इसके घने बाल हैं, पहले तो ना मतलब जब ब्याह हुआ था तो इतने घने बाल थे मेरी माँ के, कसूत मोटी चोटी हुआ करती जूड़ा हा कराया करती, और इब तो बेचारे के थोड़े से रह गए बीमार हुआ बच्चे कुछ तो जड़ गए, तो ये थोड़े बहुत तो भाई रह रहे हैं पर ना वो हासूर के हैं मतलब बाएँ जावे हैं, और जो मेरी दूसरी माँ है छोटी जो सासू माँ है उसके बाल तक दी दो अन्य खेवी को जिसे मेरी मार के हैं ना उसे बाल हैं इतनी से मेरी मार के हैं कति बोते बोते से कति छोटे छोटे से इसे हैं, और जड़ा कंगा हाल है नूड़े कंगा मतलब ख़त्म हो जाए स्वाद भी नहीं आओ बाण में इसे बाल हैं, और मेरी माँ इस माँ के बहुत बढ़िया हैं, जिसे वह दूसरी माँ के बाल हैं ना इसे मेरी मम्मी हर के बाल हैं कति सेम टू सेम नुए छोटे छोटे मकई नकट आके ना लिंदी, और इसके नाटक हो गए हैं शुरू, इसने थैगी थी चुंदड़ी तो कदे उड़ उड़ दिखती मैं देखो ये बन गई मैं वो बन गई, जुगर भाई मैं घूंघट काटू ना तेनों कही देखो मैंने भी घूंघट निकाल लिया न्यू कर लिया, तो बालक है तो कॉपी तो करें जाओ हरिया तो थोड़ी घनी भाई नू लगा लो एक्टिव रहे है काम करे जाओ है, कदे कुछ पानी मार देना माटी खंडाना, और इसके ऊपर जो मेरी माँ की गल ले कर के इसने गोड़ी बोलिया ग्राम तो इसके ऊपर चढ़ना उतरना, तो छोटी दी थी बड़ा तो इसी बड़ी एरोप्लेन आई थी तो मैं कल मैं वह दिखा दूँ, तो इसमें छोटी सी लग है जान लग रही थी। तो आज का व्लॉग इतना ही, धन्यवाद भाई।